रुपए। आप लोग जो मैसेजेस वगैरह देखते हो भाई, उसमें जो मैसेजेस आते हैं वो वरिंदर भाई की तरफ से ही रहते हैं। हाउ गाइस, चलो चलो शाबाश, ये हेलो एवरीवन, कैसे भाई आज? यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे पास एक शख्स आए हुए हैं, उनसे मिलाते हैं थोड़ी देर में। बताएंगे आप लोग भी जानते हैं। यस सब लोग जानते हैं, हम बताएंगे। तो ये कुछ गिफ्ट लेकर आए थे गुगु के बर्थडे के लिए, तो वो असेंबल कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल से बहुत समय में असेंबलिंग के बाद ये आपको दिखाता हूँ जरा। ये सो दिस इज वन, करना ऑन करो। तो ये ऐसे ये जो ये गुगु के लिए जो अभी, अभी अभी और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, मतलब वो असेंबलिंग प्रोसेस से चल रहा है अभी भी। बैठा यहाँ पे क्रैब लग जाएगा, यहाँ पे स्टार से। तो वो ये असेंबलिंग वगैरह में थोड़ा सा मदद मिली है हमें, थोड़ा बहुत हम पढ़े लिखे हैं कुछ थोड़ा बहुत कि हाँ पुली वगैरह और ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। बाकी दीपू भाई ने अपना एक्सपीरियंस लगा के जोड़ दिया है और गुगु भी इंजॉय कर रहा है। मतलब एक ये ऐसा एक गिफ्ट है जिसके अंदर गुगु बहुत ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व हो गया है, अदरवाइज वो GTA Vice City छोड़ के आया है। एग्जैक्टली, अपनी गेम छोड़ के आया है। और दूसरा ये कि इतना इन्वॉल्व हो रहा है, अदरवाइज जो गिफ्ट हमने पहले ओपन करे थे वो आए 10 मिनट में इंटरेस्ट बंदे का खत्म हो जाता है, बट इसका इंटरेस्ट ये ऐसा एक पहला चीज है जिसमें इसका इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। तो चलो हम एंकल चेंज करते हैं, ये आगे वृंदर पाजी टैटन है। बालो भाई तोड़ो, क्या कहते हैं उसको, पार्टी पॉपर। एडिटिंग में आ जाएगा। सो वृंदर पाजी की हाल चाल है? देखो जी वृंदर पाजी कहाँ, कब से 1.5 साल हो गया लगभग जुड़े हुए हैं। मैं भी नया नया आया था उस समय चैनल पे, हम आए थे IFW में, तो हम कनेक्ट हुए थे एक इंसिडेंट से, वो नहीं बताएंगे। मतलब वृंदर पाजी आपने सोचा था यार चीजें इतनी ज्यादा बदल जाएंगे? आज की डेट में हम एक चीज से भी टॉलरेट करते नहीं है ना वैसे, बट वो इंसिडेंट ऐसा था कि मतलब कहते हैं ना कि भगवान ने जब बना लिखा ही हो, लिखी होती चीजें है ना, वो हो जाती है। मतलब एग्जैक्टली एक शो आता था अनुपम खेर का है ना, कुछ भी हो सकता है, वैसे वाला सीन हो गया। तो वृंदर भाजी बताओ कैसा चल रहा है लाइफ, कैसी? बहुत फर्स्ट क्लास। देखो जी हमारे पास एक्सपीरियंस की अगर बात करें, चलो दीपा भाई तो हैं तो वो कंपैरिजन नहीं है, बट अदरवाइज हमारी टीम में ये भी एक बहुत तगड़े मेंबर है, तो एज वाइज और एक्सपीरियंस वाइज इनके पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो मतलब भाजी पिछले 1.5 साल 2 साल जब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मजा आ रहा है पूरा है ना? थोड़ा सा बहुत ये देखो, ये व्लॉग जो है हमारा, वैसे तो ट्रेडिंग और सारा कुछ रिलेटेड होता है, बहुत से लोग आपको यूट्यूब पे देखते हैं मॉडरेटर में और सब में, आप आज आपको यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, तो कुछ भी छोटा मोटा कुछ अगर आप बोलना चाहते हो। नहीं बस लगे रहो अपना रोज जो यहाँ पे बने बनाए पकी पकाई मिल रही है, नए लोगों को गाइडेंस दो। आप जब नए नए थे तो क्या फेस किया? नहीं मैंने देखा ट्रेडर कैसे बने, आप जो 1-1 करोड़ का अभी प्रॉफिट करते हो। हम प्रो ट्रेडर तो अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन नहीं ये चीज है। वैसे वृंदर पाजी को मैंने देखा, इन्होंने काफी चीजें सीख ली हैं, समझ ली हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रहे हैं और लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, वो मैं देखता हूँ। बट कुछ भी देखती हूँ भाई, कुछ भी नया मेरी वीडियो आती है ना तो ये देखते हैं और मेरे को रिप्लाई करते हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया लगा, ये मैंने ये समझा। एक होता है ना बंदे के अंदर एक घमंड आया था, फिर आपको तो मैं ही भगवान हूँ, क्या देखने की जरूरत है, क्या करें। एग्जैक्टली ये मस्त वीडियो बना रहे भाई, सो ओके देखो एंगल तो गलत नहीं आया ना, एंगल तो तो क्या कह रहे थे किस टाइप का टॉपिक पे चल रहा था? अलावा 2-3 साल पहले की बात है, तो मेरे दो दोस्त होते थे ना, मेरे को कैमरा देते नहीं थे, कह रहे थे को कैमरा ही नहीं पकड़ना आता, बट अब देखो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग के अलावा ये बड़ी चीज के लाइक है। YouTube चैनल वगैरह ऐसे वीडियोस में भाई कैमरा फेस करता ही नहीं। अरे स्टार्टिंग में याद होगा भाई, अगर आप लोग बहुत पुराने हैं तो जब विकास लाइव में बैठता था तो आपको याद है कैमरा बंद करके बैठते थे, मतलब शर्म आती थी, मैं जैसे ही आना कैमरा तुरंत बंद कर देना। शर्म वाली बात भी नहीं है, हम फेस नहीं कर पाते, वही ना कैमरा शाई होते हैं, कैमरा शाई कनेक्ट भी था, इंट्रोवर्ट बंदा यार मेरे को पसंद नहीं होता था उस चीज, उन स्टार्टिंग वाली चीज ने मेरे को 3 महीने मैंने काम किया। दीपा ने बोला ट्रेडिंग ना फिलहाल मत करना जब तक मैं नहीं बोलूंगा, मैं ठीक है जी, मेरे में मतलब इतना था कीड़ा क्योंकि मैं सीखता भी था साथ में, तो मेरे को था कि प्रैक्टिस भी तो करनी है। क्या होता है कि हम अगर आज की डेट में 10 बंदों को खड़ा कर देंगे लाइन में कि भाई ट्रेडर हो तुम तो ट्रेडिंग करो, मैं आपको वृंदर पाजी लिख के दे सकता हूँ, मुश्किल से एक बंदा उनमें से ऐसा होगा कि जो मेरे रूल फॉलो करेगा। कल की डेट आई है, एक भी ट्रेड नहीं करा,
एक भी ट्रेड हमने भी नहीं किया। जब आपके पास ये कंसेप्ट आ जाता ना कि आपको पता है आपके हिसाब से नहीं चीजें चल रही, तो आप ट्रेड नहीं करोगे। बात चाहे 5,000-10,000 की लॉस की नहीं है, सही है, जब वो कमाया जाता है ना एक पैसे की वैल्यू रह जाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सुबह भी बोल रहा था मैं आपको, कि लोग पैसे की वैल्यू करनी छोड़ देते हैं कि ठीक है 5,00,000 बन ही जाएगा, है ना, ले लो 10,000 क्वांटिटी दे दो। तो ये छोटी छोटी चीजें यार जो आपको वैसे वीडियोस में सीखने को नहीं मिलेंगे, वो नेचर वाइज ही आती है चीजें, समझ। उसके लिए आपको बाजार के अंदर टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। अब मैं 3 महीने जब मैं स्टार्टिंग में बैठा था, दीदी भाई ने फोन पकड़ा दिया, कहते ये लोगों से बात करो आपका एक्सपीरियंस बनेगा, मेरा लेवल लगाने की स्पीड इतनी तेज हो गई, एक्यूरेसी बढ़ गई। लोगों को बता देते हैं जो पेड ग्रुप है, जो प्रीमियम ग्रुप है, आप लोग जो मैसेजेस वगैरह देखते हो भाई, उसमें जो मैसेजेस आते हैं वो वरिंदर भाई की तरफ से ही रहते हैं सारे मैसेजेस। तो अगर अकाउंट नहीं खुलवाया तो बोल दो वरिंदर भाई अकाउंट खुलवाने का, सब खुलवाओ भाई, उसके अंदर लोग बहुत पैसे क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि पैसे पुसे नहीं लगते उसमें, कहने को प्रीमियम है बट फ्री अकाउंट है। अकाउंट खोलने को इसलिए बोलते हैं कि चलो अगर आप अकाउंट नहीं खोलते हैं, लाइक छोटा मोटा कोर्स है अपना कोई वो भी ले रहा है, तो एक एक टास्क बन जाता है बंदे का। फंस गई, इस तुमने फंसा दी, इस गेम का अंत समय आ गया, अंतिम समय पास। जितना हमने सोचा था कि असेंबल करने के बाद 10-15 मिनट चलेगा, अभी चल रहा है, लाइफ है इसकी, मतलब रुको रुको पापा कर रहे, कंपनी की गारंटी हो ना मामा। आज हम लोग मेला भी देखने जाएंगे, चलो हो गया मेला, मेला देख रहे हैं, क्या करोगे मेले में? मेले में केला खाएंगे आप? मेले में मस्ती करेंगे जी, नहीं केला गुला नहीं खाना। अच्छा ये कह रहे हैं कि चंडोल में जाएंगे, बहुत 2-3 लग लग गए झूले बड़े बड़े, जय माता दी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीखा, गूगल था मेरे सिलेबस तो बाहर है, तुम मैंने दसो, देखो ये टूटना तो है ही है ना, असेंबल हाँ असेंबल कर लो जितनी देर करनी है, उसके बाद फिर मैं तैस तैस करांगा। आराम से देखो ये क्या किया? इंजेक्शन लगाया? हाँ। कहाँ इंजेक्शन? यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ। सो जा। मैं नहीं सो रहा, मैं नहीं सो रहा। बहुत सारे लोग लूज कर रहे हैं। कंधा सो जाओ। कुकू यहाँ पे चढ़ गया अपनी गाड़ी पे, और जंप नहीं करना है ना कुकू, जंप नहीं करना ना। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं? मॉल जा रहे हैं, बढ़िया। मम्मा आने वाले हैं यहाँ पे। हाउ गाइस, मैं चाचू है, तो साथ गए। कैमरे में तुमने उंगली रख रखी है, चाचू कहाँ देखेंगे? चलो चलो शाबाश।
चलो देखते हैं मम्मा कहाँ हैं, चलो आओ लेट्स फाइंड मम्मा। मम्मा कहाँ हैं, लुक फाइंड मम्मा कहाँ हैं, क्या कर रही हो? माने जा रही मम्मा, यहाँ पे कौन खेल रहा है मम्मा के साथ? बुब्बू एंड के मम्मा यहाँ पे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्रिकेट का बनाते हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं सभी, तो यहाँ पे गए प्लेयर चेंज हो गए।